बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दता मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौल। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन को डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन किसने डेवलप किया, पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, एंड आफ्टर देन कुछ थ्योरम्स एंड क्वेश्चन जो हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। सर, कल कल वाले लेक्चर से एक क्वेश्चन पूछना था बेटे, वो लास्ट पे हम 5 मिनट रख लेंगे, उसमें आज के लेक्चर के मुतालिक भी और वो भी इंशाल्लाह साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स प्लेन? एक कॉम्प्लेक्स नंबर जी which is equal to a plus b iota corresponding to the point a comma b in the x y plane and vice versa. In other way, you can say that there is one correspondence between complex numbers and points of the plane. यानी प्लेन के अंदर जितने पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट जो है वो यूनिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। द एक्स वाई प्लेन इन विच ए कॉम्प्लेक्स नंबर जी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर ओ पी। अगर आप देखें बेटे, तो ये आपके पास हॉरिजेंटल एक्सिस है, ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस है, और P आपके पास कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर Z को। अगर आप उसको एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यकीनन उसका जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो स्मॉल b होगा, अगर आप इस पॉइंट को देखें तो, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये आपके पास स्मॉल a होगा। जो x एक्सिस होता है उसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं, और जो y एक्सिस होता है उसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो अगर एक्स वाई प्लेन में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर ओ पी के साथ डिनोट किया जाए, तो हम उस एक्स वाई प्लेन को फिर सिंपल प्लेन नहीं, कॉम्प्लेक्स प्लेन का नाम देते हैं, या जेड प्लेन भी कहते हैं। और जो एक्स एक्सिस है वो आपका रियल एक्सिस होता है, और जो वाई एक्सिस है वो आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है। एंड फिगर सो ऑब्टेंड इज कॉल्ड आर्गन डायग्राम। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए पॉइंट इन ए प्लेन, प्लेन के अंदर पॉइंट के साथ जो वन वन कॉरेस्पोंडेंस के जरिए जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार है, ये सबसे पहले एक फ्रेंच मैथमेटिशियन जे ए आर्गन ने जो है वो डिस्क्राइब किया था। इसी नाम की निस्बत से इस डायग्राम को आर्गन डायग्राम का नाम दिया जाता है। The inclination theta of a complex vector OP with positive direction of x-axis is called argument. ये amplitude भी इसको कहते हैं, या फिर argument बोलते हैं, and written as ARG of complex number Z. Argument of Z जो है ये बेसिकली टेन थीटा की मदद से हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं। जस्ट अ मिनट जी। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है विच इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि एक्चुअली जो टेन थीटा है आपको पता है वो होता है परपेंडिकुलर यानी बी ओवर बेस यानी कि स्मॉल ए। अगर टेन को उठा कर दूसरी तरफ ले जाए तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स B over A, this one is the argument. हाँ जी, नेक्स्ट सिंपली ये चीजें तो ऑलरेडी आप जानते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं साइन थीटा कॉस थीटा एंड उनके जो रिवर्स हैं वो तमाम। उसके बाद जो थीटा है उसके ऊपर कंडीशन है,
कि थीटा आपके पास जो है वो इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज इन बिटवीन माइनस पाई एंड पाई, थीटा लेस देन आर इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन माइनस पाई, ये जो इंटरवल है अगर आपका एंगल इस रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक हो तो देन थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट एंड इट इज रिटन एज कैपिटल ए आर जी। जो पहले हम स्टडी कर चुके हैं वो सिंपल आर्गुमेंट है, और अगर आप ये रिस्ट्रिक्शन लगा दें थीटा के ऊपर कि वो माइनस पाई से पहले और पाई तक जो है वो अगर वेरिएशन हो तो देन आप कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बच्चे जिनको हमने आगे जाकर जो है वो यूज़ करना है, उसमें है सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है बेटे वो अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो आप उसका जो एंगल है वो सिंपल थीटा ही हम उसको कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो फिर बेटे हम पाई माइनस थीटा जो है यानी एंगल निकालने के बाद ये थीटा जो आर्गुमेंट है इसको निकालने के बाद पाई में से माइनस करते हैं। एंड देन इफ जेड इज इक्वल टू ए बी विच इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन वी राइट माइनस लगा देते हैं, जो पाई माइनस थीटा था उसके बाहर माइनस लगा देते हैं, या सिंपली आप यूँ भी कह सकते हैं माइनस पाई, एक सेकेंड, जी बच्चे स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? हाँ जी बेटे ज़रा यस स्क्रीन सर, खोल दीजिए। ओके तो कुछ इस तरह से है कि अगर जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो लाई करते हैं वो आप इस पॉइंट से देख के बता सकते हैं एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो वाई एक्सिस भी पॉजिटिव हो इट मींस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो देन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर सिंपल थीटा होगा, जो आप आर्गूमेंट निकालेंगे वही इसका जो है वो आर्गूमेंट होगा, लेकिन अगर जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो फिर आप आर्गूमेंट निकालने के बाद पाई माइनस थीटा करेंगे, उसकी फाइनल वैल्यू जो है वो माइनस करने के बाद आएगी पाई माइनस थीटा। जी पाई माइनस थीटा, लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फिर आप इसके साथ माइनस लगाएं, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये बनेगा आपके पास थीटा माइनस पाई, इस तरह से लिखा जा सकता है, या फिर माइनस टाइम पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो फिर माइनस थीटा कर देते हैं, तो ये जो है थर्ड में जी उस्मान बेटे आप कुछ बोल रहे थे? थर्ड क्वार्टर में हम पाई प्लस थीटा नहीं लिख सकते। बेटे आपकी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही मुझे। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वार्टर में लेकिन बेटे वो सर, असल में पाई हमारा प्लस थीटा हम थर्ड क्वार्टर में लिख सकते हैं। नहीं बेटे नहीं लिख सकते ना, अभी तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में हमने रिस्ट्रिक्शन बताई है ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में हमने रिस्ट्रिक्शन बताई है ना बेटे, अभी उस रिस्ट्रिक्शन के अंदर रहना है हमने, पाई प्लस थीटा कहेंगे तो हम उस डोमेन से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? ठीक है सर, ओके बेटे अच्छा जी, तो इट इज़ बिकॉज, और ये सारी चीज़ें जो है ये नीचे ही अगली लाइन पे वही जो मैं आपको बात बता रहा था कि जो रिस्ट्रिक्शन हम स्टार्ट पे लगा चुके हैं ना कि पाई से माइनस पाई के दरमियान में ये रहना है, मैक्सिमम पाई हो सकता है उससे बड़ी वैल्यू नहीं, तो अगर बेटे हम पाई प्लस थीटा करेंगे ना तो वो वही बात हो जाएगी कि हम इस डोमेन में से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? उसके बाद बेटे है पोलर फॉर्म या फिर दूसरा इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अगर पी हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, यकीनन इसका एक्स जो है वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, वाई इसका बेटे वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो
तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो जेड का मॉडुलस यानी कि जिसको हम आर के साथ डिनोट करने जा रहे हैं वो आर को रिप्रेजेंट करेगा, और थीटा कोई भी एंगल है बेटे। ओके, अगर ये चीज़ें मान ली जाए कि वर्टिकल जो है वो वाई है, हॉरिजेंटल जो लेंथ की वैल्यू वो एक्स है, और जो इनका रिजल्टेंट है वो जेड मॉड कह लें या सिंपल आर कह लें, तो देन बच्चे अगर आप इस राइट ट्राई एंगल में कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा, तो यकीनन जो कॉस थीटा है दिस वन इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस यहाँ पे एक्स, हाइपोटेनियस यहाँ पे आर, तो आर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इट मींस एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा ले लें तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर वो आप उसको गौर से देखें तो उसका एक रियल कंपोनेंट होगा एक इमेजिनरी कंपोनेंट होगा, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो ए प्लस आयोटा बी कंसिडर कर लें या एक्स प्लस आयोटा वाई कंसिडर कर लें, इसका नाम आप इक्वेशन नंबर वन रख दें। अब एक्स की वैल्यू भी बेटे आप निकाल चुके हैं, वाई की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं, वो दोनों वैल्यूज बेटे जो है इस इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे लिख दें आर कॉस थीटा, और जहाँ पे बेटे वाई है वहाँ पे लिख दें आर साइन थीटा। जब आप ये दोनों वैल्यू बेटे इसमें पुट कर देंगे, पुट करने के बाद आप देख रहे हैं कि दोनों में आर कॉमन आ रहा है, बेटे आप आर को यहाँ से कॉमन निकाल लें, जब आप आर कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटे लिखते हैं कॉस का सी लिख लें, यूँ समझे कि आयोटा के लिए हम यहाँ पे आई लगा रहे हैं और साथ एस लिख रहे हैं, हम इसको सिज पढ़ते हैं बेटे शॉर्ट फॉर्म में सिज थीटा, तो जेड इज इक्वल टू आर सिज थीटा जो है ये इसकी बेटे पोलर फॉर्म बन गई। तो ये दो मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स हैं जो इक्वेशन वन है बेटे ये रिप्रेजेंट कर रही है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टीजियन फॉर्म को, और जो इक्वेशन नंबर टू है इसको कह लें या फिर ये वाली इक्वेशन जो है इसको भी आप कह सकते हैं ये बेटे आपकी पोलर फॉर्म है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेट की। जस्ट दो मिनट वेट कीजिएगा, अजान कंप्लीट हो जाए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। जी बेटे, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने उनमें से कुछ का प्रूफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इनको यूज़ करना है हमने, इनको साथ स्टडी कर लेते हैं बेटे। उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे है बेटे कि जेड का मॉड हो या माइनस जेड का मॉड हो या जेड कंजुगेट का मॉड हो, ये तमाम चीज़ें इक्वल होती हैं बेटे। नंबर टू, जेड मॉड का स्केयर हो या जेड स्क्वेयर का मॉड हो या फिर जेड इंटू जेड कंजुगेट हो, ये भी तमाम चीज़ें आपस में बेटे इक्वल होती है। नेक्स्ट है कि जो वन ओवर जेड होता है दिस वन इज इक्वल टू जेड कंजुगेट ओवर जेड मॉड का स्क्वेयर, जेड वन इंटू जेड टू का मॉड अगर कंबाइन फॉर्म में बेटे तो आप सेपरेट कर सकते हैं, क्वेश्चन्ड फॉर्म में कंबाइन हो मॉड तो आप सेपरेट कर सकते हैं, रियल कंपोनेंट ऑफ जेड जो है वो भी कंप्लीट जेड के मॉड से लेस देन आर इक्वल होता है, इमेजिनरी जेड का मॉड भी कंप्लीट जेड मॉड से लेस देन या इक्वल होता है, जेड इनटू जेड कंजुगेट करें बेटे तो ये इक्वल होता है रियल कंपोनेंट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ जेड का स्क्वायर, जेड वन माइनस जेड टू का मॉड जो है दिस वन इज इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन का मॉड, आप उसमें अगर माइनस में हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जेड वन माइनस जेड टू का होल मॉड जो है ये ग्रेटर देन होता है आर इक्वल होता है दोनों का सेपरेटली मॉड का डिफरेंस जो है, इसी तरह जेड वन प्लस जेड टू का मॉड जो है ये लेस देन इक्वल टू होते हैं। After then, जी
आफ्टर देन ये 11th प्रॉपर्टीज है जो हमने आगे जाके जिनको जो है वो यूज करना है बेटे जी. उसके बाद ये रिजल्ट हम ऑलरेडी कल प्रूव कर चुके थे. क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं पहले, बल्कि 11 पे जी. ये यही चीज़ें जो अभी हम रूल्स पढ़ के आए हैं उन्हीं की एप्लीकेशन है सिंपल सी, कि किस तरह से अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर आपको कोई भी मॉडुलस का क्वेश्चन दिया जाता है तो आपने उसको सिंपलीफाई कैसे करना है. कहते फाइंड z mod फाइंड करें जब z आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. अगर अकेला कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका मॉडुलस तो बड़ा सिंपल सा था. अगर आपके पास होता z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b तो बड़ा सिंपल था इसका मॉड निकालना. क्या करते z mod इज इक्वल टू रियल कंपोनेंट का स्केयर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का स्केयर और स्केयर रूट, यही इसका मॉडुलस था. लेकिन अगर एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर की कम्बिनेशन आ जाए, वो मल्टीप्लिकेशन में भी आ सकती है, वो डिवीजन की फॉर्म में भी आ सकती है, तो कोई मसला नहीं है. हम मल्टीप्लिकेशन में भी हर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड सेपरेट कर सकते हैं, सेम इसी तरह डिवीजन में भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, होल जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है उसका मॉड लेंगे. मॉड लेने के बाद सेपरेटली हर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड सेपरेट कर देंगे. ये उसी प्रॉपर्टी के तहत कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीपल की फॉर्म में है आप मॉड ले रहे हैं तो आप सेपरेटली मॉड लेकर बाद में आंसर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें. यही काम किया है, फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका मॉड लेने जा रहे हैं हम, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास अकेला जो है वो -2i था. यानी उसका जो रियल कंपोनेंट है वो ऑलरेडी जीरो है, जस्ट इमेजिनरी कंपोनेंट जो था -2 उसका स्केयर और स्केयर रूट आ गया ऊपर, तो चूंकि स्केयर की वजह से माइनस जो है वो प्लस हो जाएगी, तो ओनली 2 का स्केयर था तो 2 का स्केयर स्केयर रूट की वजह से कैंसिल, सिंपल 2 आ गया बेटे. इसी तरह सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर था रियल कंपोनेंट का स्केयर, इमेजिनरी कंपोनेंट का स्केयर एंड स्केयर रूट, थर्ड का एंड फोर्थ का सिमिलर, सिंपलीफाई कर लिया. 1 + 1 = 2 आ गया, 4 × 4 = 16, 2 × 2 = 4 मिलकर 20 आ गया, एंड लास्ट वाला जो है वो स्केयर रूट 10 आ गया. अब जो 20 है 5 × 4 = 20 और 4 का स्केयर रूट 2 होता है तो 2 √5 बन गया. लास्ट वाला जो 10 था उसको भी बेटे दो हिस्सों में कर लिए, 10 का स्केयर रूट, 5 का स्केयर रूट और 2 का स्केयर रूट. अब अगर गौर से देखें आप तो ये पेयरिंग बन रही है, एक ये स्केयर रूट 5 और ये स्केयर रूट 2 वाले जो है, स्केयर रूट 2 जो है उनसे आपको सिंपली पेयरिंग से जो है सिंपल 2 मिल गया, और स्केयर रूट 5 का जो पेयर था उसमें से आपको सिंपल 5 और सिंपलीफाई किया 40 आंसर आ गया. इसी तरह अगर आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो नो प्रॉब्लम, सेम इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपके पास एक्सप्रेशन है आप होल का मॉड अप्लाई कर दें. होल का मॉड अप्लाई करने के बाद फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो न्यूमिरेटर का मॉड सेपरेट करें, डिनोमिनेटर का मॉड जो है वो बेटे सेपरेट कर लें. आफ्टर देन जब आप इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए इसकी सेपरेशन कर लेंगे तो आप देखें न्यूमिरेटर में भी एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, तो देन बेटे आप उन दोनों का मॉड सेपरेट कर लें, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही था उनके भी बेटे मॉड जो है वो सेपरेट कर दें. फिर उसी तरह बेटे मॉडुलस निकालें, आपके पास टोटल 4 मॉड बन गए, 4 के 4 मॉड आप सिंप्लीफाई करें, जो चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल करें, एट द एंड आपके पास बेटे फाइनल आंसर आ जाए. तो इसका मतलब हुआ अगर एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कम्बिनेशन आता है तो देन हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके सेपरेटली कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकाल के तो आपस में जो रिजल्ट है उसको फाइनलाइज कर सकते हैं. लेकिन ये उसी सूरत में जब वो मल्टीपल की फॉर्म में हो या डिवीजन की फॉर्म में हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें फिर इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होती है लेस देन या ग्रेटर देन. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे कि शो दैट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी. अगर आपके पास ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इज रियल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होगा
इफ एंड ओनली इफ अगर जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट के इक्वल है, यानी आपने लेफ्ट साइड से राइट और राइट साइड से लेफ्ट, ये दोनों चीजें प्रूफ करनी है। एक दफा कंसिडर करेंगे कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल है, अगर वो रियल है तो डेफिनेटली उसका इमेजिनरी कंपोनेंट हम जीरो कर देंगे, फिर ही वो रियल होगा ना। तो जब कंसिडर किया हुआ कि रियल है तो ओनली उसको आप रियल तक पहले लेके चलेंगे, देन आप प्रूफ करेंगे इस चीज़ को कि आपने उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी लिया है, लेकिन वही कॉन्जुगेट का आंसर भी वही बना है जो कॉम्प्लेक्स नंबर था। इट मीन्स कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ बोथ आर द सेम। एंड सेकंड टाइम जो है वो आप सेकंड कंडीशन को कंसिडर करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट आपस में इक्वल है, तो हम प्रूफ कर देंगे वहाँ पे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सिर्फ रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट कर लिया बेटे हमने कि z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है और ये रियल है, लेकिन अगर ये रियल है तो डेफिनेटली फिर इसका जो कॉम्प्लेक्स बल्कि जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो ज़ीरो होगा, यानी b कंपोनेंट उसका ज़ीरो है, क्योंकि फिर ये रियल हो सकता है, अदरवाइज ये रियल नहीं। जब तक b नॉन ज़ीरो है तो ये रियल नहीं हो सकता। अगर b ज़ीरो है तो इट मीन्स यही z आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा z इज इक्वल टू ओनली a में, क्योंकि b की जगह पर ज़ीरो पुट करने से आयोटा इंटू ज़ीरो भी ज़ीरो हो जाएगा। इसका नाम रख ले इक्वेशन नंबर वन। अब इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करें। कॉन्जुगेट अप्लाई करने के बाद भी ए पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसकी रीज़न क्योंकि इसमें कोई अयोटा वाली टर्म ही नहीं है। कॉन्जुगेट का तो मतलब यही होता है कि अयोटा की जगह पे माइनस अयोटा रिप्लेस करो। अगर अयोटा है ही नहीं तो किसकी जगह पे क्या रिप्लेस करना है, कुछ भी नहीं है। इट मीन्स कॉन्जुगेट भी वही रहेगा। इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करो तो जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी। यानी हमने सपोज किया कि जेड रियल है और प्रूफ कर दिया कि जेड अपने कॉन्जुगेट के इक्वल है। नाउ वी सपोज कि जेड और उसका कॉन्जुगेट आपस में इक्वल है। हमने क्या किया, हमने वही जेड जेड की वैल्यू जो थी जो गिवन थी वो लिख दी और राइट साइड पे उसके ऊपर बार लिख दिया क्योंकि कॉन्जुगेट है। और उस बार को जब अप्लाई करेंगे तो जस्ट इतना फ़र्क पड़ेगा कि अयोटा वाली जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, माइनस अयोटा आ जाएगा। इस कंप्लीट फैक्टर को उठा के आप लेफ्ट साइड पर ले, जब आप लेफ्ट पे लेके आएंगे तो ये ए इधर आके माइनस का ए बनेगा और अयोटा भी इधर आके प्लस का अयोटा भी बनेगा। ए माइनस का प्लस के ए के साथ जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। आफ्टर देन जब ये कैंसिलेशन हो जाएगी तो रिमेनिंग जो अयोटा बी वाली टर्म्स है उनको कंबाइन करें, टू टाइम्स ऑफ अयोटा बी आ गया। अब चूंकि जो टू अयोटा है ना तो उसमें अयोटा ज़ीरो है और ना टू ज़ीरो है, दो नॉन ज़ीरो का प्रोडक्ट भी नॉन ज़ीरो ही होगा। इट मींस टोटल जो टू अयोटा है ये नॉन ज़ीरो है, तो आप किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप ज़ीरो ओवर टू अयोटा लिख भी दें तो ज़ीरो ओवर समथिंग जो है वो ज़ीरो ही होता है, तो इट मींस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया। जब बी की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो आप गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में ज़ीरो पुट करें तो ये टर्म ही ख़त्म हो जाएगी, तो ओनली जेड इज इक्वल टू ए हमें हासिल होगा। तो और यहाँ से अगर देखें आयोटा वाली जब टर्म ख़त्म हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये रियल नंबर है। तो इस क्वेश्चन में हमने बच्चे लेफ्ट साइड से राइट साइड प्रूफ करनी है। फर्स्टली हमने कंसिडर किया कि जेड जो है वो रियल नंबर है, हमने वेरीफाई किया कि जेड और उसका कॉन्जुगेट इक्वल है। देन कन्वर्सली हमने जेड इज इक्वल टू उसका कॉन्जुगेट सपोज किया और वेरीफाई किया कि जेड रियल है। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें है कि शो दैट कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी इज प्योरली इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट। ये बेटे इन्हीं लाइंस के ऊपर चलते हुए आपने खुद वेरीफाई करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह से है जी। बल्कि इसको अभी आप एक मिनट के लिए देखें, देन हम अगले लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप इसको खुद से देखें कैसे किया है। सर क्वेश्चन शो का नहीं हो रहा जी। बेटे क्या कह रहे थे आप?
क्वेश्चन शो नहीं हो रहा सर, शो नहीं हो रहा? पिछला ही हो रहा है, पिछला ही क्वेश्चन शो हो रहा है। ओके ओके ओके, एक मिनट। जी बेटी, आप शो हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 नजर आ रहा है आपको? क्योंकि जी ट्वेल्थ सर, ट्वेल्थ ट्वेल्थ का सेकंड पार्ट, अब देखिएगा। जी सर हो रहा है। सर देख लिया। ओके बेटे, ठीक है बेटे, इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में मिलते हैं।